पुरोहितं यद्यस्तदेव ऋत्विजम् ओदारलग्नादातवम् हरिः ॐ स्वस्ति शुक्लयजुर्वेद प्रिये शुक्लयजुर्वेदमवतारयाम् भद्राङ्गारणेभिः श्रेणुयामादेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा माहिरे पाहि कन्यदायुः हरिः ॐ स्वस्ति कृष्णयजुर्वेदप्रिये कृष्णयजुर्वेदभवधारया ॐ निषेत्कोपायमस्तदेवो वस्तपिता प्राप्रयति श्रेष्ठतमाय कर्मणि हरिः ॐ स्वस्ति सामवेदप्रिये सामवेदमवधारय हरिः अयोध्या में इसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था 12 बजे। अब सब हिंदी समझ रहे, चिंता मत करो। भगवान राम का जब जन्म हुआ 12 बजे सब लोग इंतजार कर रहे थे, समथिंग हैपन, कुछ न्यूज आएगा। अयोध्या के महल से न्यूज आया, समाचार आया, सबके कान में गया कि दशरथ राजा के वहां एक पुत्र का जन्म हुआ है। पत्नी तीन है, तीनों गर्भवती है और पुत्र एक। जब यद्यपि आप पुत्र कामेश तो उसमें तो भगवान ने आकर स्वयं आकाशवाणी की थी कि मैं चतुर्व्यूह रूप में 4 पुत्र बनकर तुम्हारे घर आऊंगा। सब लोग इंतजार कर रहे थे, जब समाचार मिले एक पुत्र, दूसरा पुत्र और बाद में ट्विंस जुड़वा। और जैसे ही सबने सुना, अलंकार पहने, सुंदर कपड़े पहन के पूरी अयोध्या नगरी अयोध्या महल में पहुंच गई और सबके मुंह में एक ही शब्द था, अवध में आनंद भयो। आप सबको बोलना है जय रघुवर नाम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर नाम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर नाम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर नाम की। जय रघुवर नाम की। जय रघुवर नाम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर नाम की। अवध में आनंद भयो परिवार नाम